गाइस, माय नेम इज साहिल मिश्रा। आज के गिटार लेसन में हम कवर करेंगे द सॉन्ग घुंगरू का फुल गिटार पार्ट फ्रॉम द मूवी वॉर। लेट्स बिगिन। सो इस गाने का की बी माइनर है और हम रफली फ्रॉम द फैमिली ऑफ बी माइनर और ए मेजर से हम लोग बात करेंगे या बी डोरियन से करेंगे। सबसे फर्स्ट गाने में कॉर्ड यूज होता है बी माइनर 7, सो इसे हम 7th फ्रेट पे पकड़ेंगे और 7th फ्रेट पे बार आएगा। आप जैसे बी माइनर पकड़ते हैं 7th फ्रेट बार ए 9 और डी 9 वैसे ही पकड़िए, बट पिंकी फिंगर को हटा दें। सो ये कॉर्ड हो गया बी माइनस 7। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा यूज़ होगा इन द सॉन्ग जो है एफ शार्प माइनस 7। सो आप इसको 9th फ्रेट पे ले सकते हैं, 9th फ्रेट पे आप बार कर सकते हैं, रिंग फिंगर डी 11 पे और मिडिल फिंगर बी 10 पे। सो एफ शार्प माइनस 7 कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा होगा यूज़ जो है सॉन्ग में ए मेजर। सो इसके लिए आप जा सकते हैं सिंपल बार कॉर्ड में, 5th फ्रेट पे बार G6 A7 D7 और नेक्स्ट कॉर्ड होगा ई मेजर। ई मेजर के लिए आप आ सकते हैं ऑन द 7th फ्रेट बार करके और D9 G9 B9। इसको आप दो फ्रेट पीछे लेके मिलेगा नेक्स्ट कॉर्ड जो है डी मेजर। मैं इसे ऐसे लेता हूँ, आप लोग ऐसे ले सकते हैं। ओके, ये अपने मेन कॉर्ड्स होंगे सॉन्ग में और अगर कोई और कॉर्ड्स चाहिए होंगे तो वो ऑन द स्पॉट हम लोग कर लेंगे। सॉन्ग की शुरुआत में एक रेफ बजता है, उसके लिए बजेंगे नोट्स ए स्ट्रिंग 2nd फ्रेट जो है बी नोट। नेक्स्ट बजेगा ई स्ट्रिंग 2nd फ्रेट जो है एफ शार्प नोट और नेक्स्ट नोट है ई 5 विच इज़ ए नोट और ओपन ई। जैसे जब बजाएंगे हमें पाम म्यूटिंग करना होगा, सो थोड़ा सा हम फ्लैशी पार्ट अपने पाम का गिटार के ब्रिज से ज़रा आगे रखेंगे तो हमारा साउंड ऐसे चेंज हो जाएगा। इसमें हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट पिकिंग डाउन अप वाला और इसे हम हर एक नोट को 4 बीट्स देंगे। सो 1 2 3 4 और हर बीट में 4 बार बजाएंगे तो 16 बार बज जाएगा। सो सॉन्ग की शुरुआत में रिफ ऐसे बजता है, चेंज चेंज, ये रिपीट होगा। ओके, सो ये अपना शुरुआत वाला एकदम फर्स्ट रिफ बज गया। इसी के पीछे कॉर्ड्स बजेंगे इन द सॉन्ग बी माइनस 7, ठीक है। फिर वापस से नेक्स्ट कॉर्ड आ जाए एफ शार्प माइनस 7, वापस से एफ शार्प माइनस 7 और ई मेजर। हमें इसका टाइमिंग होगा 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, वापस से उसे रिफ के साथ सुनने पर म्यूजिक ऐसे सुनने में आएगा। फिर उसके बाद में गाने का जो है मेन बोल सकते हैं इंट्रो रिफ बजता है जो ऐसे कुछ बजता है। सो इसके लिए हम बजाएंगे जी स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और फिर G4 से G2 पुल ऑफ करेंगे और फिर बजेगा D4 और फिर बजेगा G2 G4 G4 2 4 4 2 4 4। अच्छा, ये सारे पार्ट्स जब भी बजेंगे इंट्रो के उस टाइम पे हमें पाम म्यूटिंग करनी है। सो थोड़ा सा फ्लैशी पार्ट वापस से हम पाम का यहाँ रख देंगे और हमें मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट बजेगा 2 4 2 4 और फिर स्लाइड करेंगे 6 तक का 4 से और फिर बजेगा 4 2 वापस। ओके, सो पूरा यहाँ तक का। ओके, बीच में कुछ कुछ नोट्स आप रिलीज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको, अगर एक थोड़ा लाउड नोट चाहिए बीच में तो पूरा टाइम पाम म्यूटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अप टू टेस्ट। फिर उसके बाद वाला पार्ट बजेगा डी स्ट्रिंग पे 2 4 4, वापस से 2 4 4 और फिर स्लाइड होगा टिल 6 डी पे। सो यहाँ पे हो गया स्लाइड फ्रॉम D4 टू D6, D4, D2, 4 2, ठीक है। सो इस फुल पार्ट को पूरा इंट्रो रिफ ऐसे बजेगा। इसी को वापस रिपीट करेंगे और इसके पीछे जब ये रिफ बज रहा है इंट्रो का पीछे कॉर्ड्स बजेंगे वेरी सिंपली बी माइनस 7 बज जाएगा। सिंगल स्ट्रोक्स में सब कुछ होगा। नेक्स्ट कॉर्ड डी बज सकता है, नेक्स्ट कॉर्ड एफ शार्प माइनर 7 एंड देन ई। द
ये वापस रिपीट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है सॉन्ग का जो वर्स है, और यहाँ से एक्चुअली सॉन्ग पिकअप होता है, और यहाँ पे बहुत ही सॉलिड गिटार स्ट्रमिंग यूज होगी। इस काइंड ऑफ सॉन्ग के लिए हमें एक फंकी टोन की जरूरत है। इनकेस आपको ऐसे काइंड ऑफ टोन बनाना सीखना है तो इसका ऑलरेडी एक लेसन बना हुआ है, लिंक यहाँ पर ही होगा। फंक गिटार म्यूजिक में हम बहुत सारा म्यूटिंग करते हैं, और सबसे फर्स्ट हमारा वर्स आता है जिसमें लिरिक्स आ जाती है दो पल की नींद उड़ी वाला सेक्शन से। तो यहाँ पे कॉर्ड्स यूज हो जाएंगे B-7, F#-7, A and E। इसके दौरान स्ट्रमिंग होगी, ठीक है। अगर इसको हमें बेसिक स्ट्रमिंग किया जाए जैसा रिकॉर्डिंग में है, तो स्ट्रमिंग पैटर्न होगा डाउन 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 डाउन, ठीक है। बट इन स्ट्रमिंग पैटर्न्स के मूव्स के बीच में आप बहुत सारा गोस्ट नोट्स या म्यूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि ठीक है, इससे थोड़ा प्लेइंग और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है एंड बेसिकली हमें थोड़ा और गोस्ट नोट्स के साथ प्ले करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसी को हम पूरे अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ करेंगे B#-A and E ऐसे मिला 1 2 3 4, और इसे हम दो बार कर लेंगे। सो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट है जो है प्री कोरस वाला, ना करना उम्रों के वादे, और उसके नेक्स्ट वाले लाइन में आ जाएंगे कॉर्ड सेम जैसे हमने वर्स के टाइम, ठीक है। सो ये अपना बेसिकली प्री कोरस वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद में आ जाता है जो सॉन्ग का है कोरस। ना कोरस में कॉर्ड्स जो होंगे यूज होंगे B-7, D, F#-E, जैसे हमने जिस पहले ही प्री कोरस में भी किया था सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वैरायटी के साथ हमें प्ले करना होगा। यहाँ पे स्ट्रमिंग पैटर्न भी चेंज होगा और किस तरीके से प्ले होगा वो भी चेंज होगा। फर्स्ट लाइन में आप इसे आरपेजियो ले सकते हैं, होल्ड करेंगे D9 और फर्स्ट फिंगर को आप फ्रेट कर देंगे 7th फ्रेट पे, और यहाँ पे आप आरपेजियो बजाएंगे ऑन द राइट हैंड, अपना कुछ एक खुद का भी बना सकते हैं। इट्स ईजी अगर आप प्ले करेंगे स्विंग्स DGB को। फिर नेक्स्ट कॉर्ड आ जाता है जो है डी। सो अगर डी को आप ऐसे होल्ड करेंगे तो इसके अगर बाकी स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे DGB। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉर्ड जो F#-minor है, उसके दौरान आप F#- RPG नहीं होल्ड करके A यूज कर सकते क्योंकि उसका एक अच्छा सब्सटीट्यूट है, और आप यही बजा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा फेंटली ऑडिबल है सॉन्ग में, सो अगर आप यहाँ पे A के बदले कुछ और भी RPG बजाएंगे जैसे F#-minor, इट्स स्टिल ओके, और फिर आप E का एक वॉइसिंग ले सकते हैं ऐसे करके, तो RPG ऐसे जाएगा फर्स्ट लाइन पे। ठीक है, इसमें पाम म्यूटिंग की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। एंड ये अपना फर्स्ट लाइन है, और इसी के साथ में जब ये फर्स्ट लाइन RPG बजेगा उसके बाद में एक थीम बजता है जो है लीड गिटार पार्ट पे, उस पर पार्ट बजेगा के घुंघरू टूट गए वाला सेक्शन पे। सो इसमें हम बजाएंगे G string 4th fret G string 6th 7th, सो अपने 3 frets हो गए हैं 4 6 7। इसमें बजाने का थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि हमारा साउंड में पाम म्यूटिंग तो यूज हुआ ही ऑब्वियसली। यहाँ पे बजेंगे frets 4 6 6 6 और फिर 7 6 6 6 और 6 4 4 4, ठीक है। सो इसे अगर थोड़ा फास्ट करेंगे और इसे दो बार करेंगे, सो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। और पाम म्यूटिंग के साथ थोड़ा अच्छा साउंड आएगा, और पिक को जरा एंगल कर लेना। पिक ग्रिप क्या रहे हैं, अगर आपको कोई लेसन चाहिए कि कैसे यूज हो फंक के लिए, मैंने एक बहुत डिटेल लेसन बनाया था जो है आई ऑफ द टाइगर वाला इंट्रो का, तो यहाँ पे एक लेसन का लिंक ऑलरेडी है जो है आई ऑफ द टाइगर वाला। सो वापस बैक टू द लेसन, 4 6 6 6 वाला पार्ट के बाद, इसे दो बार बजाने के बाद हम बजाएंगे जो नेक्स्ट पार्ट है। सो इसके लिए जो टेल एंड है पार्ट का उसमें बजाएंगे 4 6 6 6 7 6 6 6, तो G4 को दो बार, D7 को दो बार, D6 को दो बार और D4 को एक बार, फुल थीम को। फिर अभी लास्ट टेल एंड।
इसी के पीछे अगर आप कॉर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, कॉर्ड्स यूज हो जाएंगे जो है B-7, D, F-sharp minor एंड E. सो ये रिदम गिटार पार्ट्स के लिए बच सकता है. और यहाँ पे कॉर्ड्स का स्ट्रमिंग थोड़ा सा अलग है, जो बहुत ही स्पेशल स्ट्रमिंग है. यहाँ पे यूज हो जाए स्ट्रमिंग डाउन अप 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 डाउन. सो अपना जो रिफ बज रहा है पीछे, इसके पीछे बजेगा B-7, फिर D, फिर F-sharp-7, फिर E. ठीक है, समटाइम्स ये सिंगल E बजेगा बिकॉज आप उस लाइन को एंड करना चाहते हैं. सो अगर इस फुल पार्ट को करेंगे, फिर उसके बाद में गाने का जो फर्स्ट कहा जा सकता है कि जो मेन गिटार सोलो है वो बजता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंटल पार्ट. इट गोज समथिंग एज फॉलोस. सो ये सॉन्ग का सोलो है और इसमें हम सबसे फर्स्ट पुल ऑफ करेंगे जी स्ट्रिंग 4th फ्रेट से जी स्ट्रिंग 2nd फ्रेट 3 बार. सो 1, 2, 3 और फिर एक स्लाइड करेंगे 4 से 6 ऑन जी और फिर G2 D4. सो पुल ऑफ पुल ऑफ पुल ऑफ स्लाइड G2 D4 रिपीट. फिर इसके अंदर पुल ऑफ करेंगे D4 से D2 D2 A4 वापस से. सो A2 से A4 हैमर ऑन किया और फिर D2 बजाया. इसी को वापस आप नीचे वाले स्ट्रिंग D2 से D4 करें और फिर स्लाइड करिए फ्रॉम G4 to G6 B5 और फिर स्लाइड फ्रॉम G6 to G4 ऑफ G2. सो इस लाइन को, ठीक है, थोड़ा फास्ट है, थोड़ा फंकी लाइन है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है जो सॉन्ग का दिल लेना ना देना. इसमें कॉर्ड्स हो जाएंगे यूज B-7. नेक्स्ट कॉर्ड हो जाएगा यूज A. सो B-7 और A कॉर्ड्स के ही बेसिस पे ये. सो यहाँ पे आप स्ट्रमिंग ले सकते हैं विच इज डाउन. मे बी आप पहले का भी कोई एक स्ट्रमिंग ले सकते हैं. इसमें मैंने ऐसी स्ट्रमिंग ली डाउन 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 और फिर कॉर्ड चेंज हो जाए. सो डाउन 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 डाउन, ठीक है. सो इसमें ज़्यादा इंटेंशनल नहीं है स्ट्रमिंग, बेसिकली जस्ट फिल किया है. और इसे हम 2 बार करें. सो 1, 2, 3. जैसे ये सेकेंड लाइन पे मैंने एक छोटा सा फिल किया, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये वाला पार्ट. बट अगर आप एक्यूरेट सीखना चाहते हैं, जिसके लिए आप यहाँ तक टिके हुए इतनी देर, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या था. सेकेंड लाइन में सो ऐसे पीछे एक सिंथ पे बजता है पार्ट जो है A6 और B7. ओके, A6 B7 और इसी को 1 फ्रेट आगे ले जाएंगे तो ये E-माइनर का ट्रायड बन जाता. सो ठीक है, ट्रायड्स के ऊपर एक लेसन बना था और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है बार कॉर्ड्स के लिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेसन बना, लिंक यहाँ पर ही होगा. इसके बाद में आ जाएगा सॉन्ग का प्री कोरिस 2. सो ये प्री कोरिस 2 काफ़ी सिमिलर है जैसे हमने पहले किया हुआ था, बट यहाँ पे कॉर्ड्स ज़रा से अलग है. यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग तरीके से बजा सकते हैं. यहाँ पे कॉर्ड्स आ जाएंगे पहले तो B-7, D, F-sharp-minor और फिर यहाँ पे ई नहीं आएगा, बट उसके बदले आ जाएगा B-7 अगेन. ठीक है, और सेकेंड लाइन पे वापस से वही हो जाएगा B-7, F-sharp-7, A and E. उसमें कोई बदलाव नहीं है. सो यहाँ पे स्ट्रमिंग थोड़ी अलग हो सकती है, जगह जैसे अभी हमने किया वैसी फिल कर सकते हैं. सो B-7 और फिर यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है उसमें B-7, F-sharp, A, E के दौरान आप क्वार्टर नोट्स की स्पीड पे बजा सकते हैं, विच मीन्स हर बीट पे आप एक डाउन स्ट्रम ले सकते हो. सो फिर इसके बाद में वापस से कोरस आ जाएगा. इसके बाद में जो सॉन्ग का एक ब्रिज आता है जो थोड़ा सा बोल सकते हैं अलग ही डायरेक्शन चला जाता है सॉन्ग का. इस पार्ट में कॉर्ड्स आ जाएंगे जो है B-7 या लेट्स से B-minor ही बोल देते हो उसे इसके लिए, और नेक्स्ट कॉर्ड आ जाएगा A
और एक और कॉर्ड लिया जा सकता है जो है जी मेजर। पहली बार ये सॉन्ग में जी मेजर यूज़ होगा, ओके। और जी मेजर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, जो ए का है दो फ्रेट पीछे ले लेंगे। इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव है, मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन आपको यूज़ करना है तो। सो यहाँ पे आप आरपेजियो ले सकते हैं वेरी सिंपली बी माइनस सेवन होल्ड करते हुए, या बी माइनर होल्ड करते हुए। जो हमने कोरस के दौरान भी डिस्कस किया था जो है डी जी बी डी जी, इसे आपने 8 बार टोटल बजा दिया, फिर आप चेंज कर देंगे ए के लिए और फिर, ठीक है, और फिर इसी को हम टोटल 3 बार बजा देंगे ब्रिज के दौरान, और फिर बच जाएगा जो जी आरपेजियो, इसे भी आप 4 बार कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव और देता हूँ मैं। मैंने थोड़ा सा इजी करके बजाया था, आप चाहिए तो इसे जी मेजर 7 ऐसे पकड़ सकते हैं और बजा सकते हैं, उसके लिए आप बजा सकते हैं जी मेजर 7 ऐसे होल्ड करके, ई टू ऐड हो गया, डी जी ई डी जी बी डी जी ई डी जी बी, इसे आप ऐसे करके बजा सकते हैं ऑल्टरनेट, और 1 2, ठीक है। सो जी मेजर के लिए एक ऑल्टरनेट हो जाएगा, देन कम्स ए मेजर वापस से, फिर उसके बाद में हमें बजाना है जी मेजर को टोटल 8 बार और। और इसके लिए अगर कुछ रेफरेंस चाहिए तो इस परफॉर्मेंस का लिंक यहाँ पर ही होगा, इसे प्लीज़ आप देखना। बेसिकली कॉर्ड्स बी माइनर ए ही है फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में जी ए ज़्यादातर बजता है। इसका नंबर ऑफ टाइम्स थोड़ा आप लिरिक्स के साथ फॉलो कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड लाइन में जी मेजर बज गया, फिर आप ए पे चले जाएंगे वापस से जी, बट इस बार जी को हम 8 बार करेंगे, इसको 8 बार कर लेंगे, और फिर बाद में ए को वापस 4 बार, और फिर बी माइनर आरपी जो ऐसे बजा सकते हैं, एंड देन कम्स ई मेजर एकदम लास्ट। फिर उसके बाद में सॉन्ग का जो है प्री कोरस आ जाता है और कोरस आ जाता है। इन पार्ट्स के लिए ज़्यादा कुछ मेहनत और नहीं है। दैट्स फॉर दिस लेसन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। इन केस आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल दबा दें। कमेंट करना कोई और रिक्वेस्ट हो, एंड फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।